मित्रों नमस्कार, साथियों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट का एक मुहिम रहा है कि आपको नए संसाधनों से, नई व्यवस्था से हमेशा परिचित कराऊं, और ये मुहिम विशेषकर दिव्यांग जगत के लिए बड़ा उपयोगी है। और दिव्यांग जगत के लिए उपयोगी क्यों है, जैसे कि आजकल कोरोना काल में हमारा सबसे बड़ी समस्या है जो हमारे सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे सकलांग हो, दिव्यांग हो या कोई भी व्यक्ति हो, उन बच्चों के लिए आजकल शिक्षा प्राप्त करने की बड़ी समस्या है। जब से कोरोना काल हुआ है, लगभग 6 महीने से ऊपर हो रहा है समय, तब से बच्चे स्कूल का मुंह नहीं देख सके। अब उनकी पढ़ाई बाधित है, लगभग पता नहीं कितने बच्चे स्कूल की शिक्षा से वंचित है। अब हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और इसी आवश्यकता आविष्कार के जननी के अंतर्गत, इसी मुहिम के अंतर्गत, इसी कहावत को चरित्रार्थ करते हुए हमारे लिए एक समस्या उठी कि हम इन बच्चों को कैसे शिक्षित कर सकें, विशेषकर दिव्यांग बच्चों को, जिनके लिए स्कूल तो जाने दूभर है, दूसरा पड़ोस पे कैसे पढ़ें। तो जहां जहां जो संपन्न घरों के दिव्यांग बच्चे हैं या सकलांग बच्चे हैं, उन स्कूलों ने तो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई की, उन बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है और तरह तरह के संसाधन हैं। लेकिन जिन गरीब बच्चों के लिए, गांव के बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं, उनके लिए, उनके पास, बहुतों के पास स्मार्टफोन नहीं है, या बच्चे घर में चार हैं और स्कूल में एक समय में वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक समय में स्कूल से एक घर में स्मार्टफोन है, एक स्कूल में उस समय शिक्षा दी जाती तो एक ही बच्चा उस स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकता है। अब चार चार पांच पांच घंटे वो एक ही समय सारे स्कूलों का लगभग हो रहा है जब ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, तो ऐसे में क्या करें, तीन बच्चों को तो अब खाली बैठना है। तो ये बड़ी व्यापक समस्या थी, बड़ी मतलब गंभीर ये दिक्कत है समाज के सामने, अभिभावकों के सामने, हमारी जो नई पीढ़ी है, जिसके लिए हम कहते हैं इंसाफ की जिद्दगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो करके, इस समाज के नेतृत्व करने की क्षमता जिनके अंदर समाहित है, उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय होता जा रहा था कोरोना काल में। तो हमारे शिक्षाविदों ने, साइंसदानों ने, मीडिया ने, सरकारी दायित्व ने, शासन ने ये तय किया कि कुछ इसका विकल्प तलाशा जाए, और डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्था हुई। डिजिटल एजुकेशन की व्यवस्था, डिजिटल का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, जो कंप्यूटर पे या ऑनलाइन या दूरदर्शन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जो आपको कुछ दिया जाए, वही डिजिटल है। डिजिटल है तो दूरदर्शन CBSE बोर्ड ने एक स्वयं प्रभा अपना चैनल शुरू किया। स्वयं प्रभा चैनल पे हर वर्ग के, लगभग कमोबेश दूसरे राज्यों की जो पाठ्यक्रम है उससे मिलता जुलता, सभी पाठ्यक्रम करीब करीब उससे मिलते जुलते हैं, और उन पाठ्यक्रमों के अनुसार शिक्षा देने का अपने मॉड्यूल विकसित किया, और मॉड्यूल बहुत करीब करीब 400 से ऊपर मॉड्यूल है उनके, 472 है मॉड्यूल, और कक्षा नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक की शिक्षा की, और फिर UGC ने अलग से, अब तो कोई दूसरा नाम है, उच्च शिक्षा के लिए अलग से इस प्रकार के माध्यम हैं, लेकिन फिलहाल माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिए अलग व्यवस्था है, उनके लिए अलग से करा है। तो हमारे दिव्यांग छात्रों को, जैसे दूरदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार इस समय सबसे आगे चल रही है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी, और इसके अतिरिक्त दिल्ली राज्य में भी, और दक्षिण के तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, इन सब में अपने अपने राज्य की अलग अलग लोगों ने मॉड्यूल विकसित किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मॉड्यूल उनके अपनी भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में
राज्यों की भाषाओं में, आंचलिक भाषाओं में दूरदर्शन के कार्यक्रम आ रहे हैं। जैसे एक दूरदर्शन का कार्यक्रम है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, ये भी कार्यक्रम दूरदर्शन पे आता है। आप उससे व्यापक रूप से, जैसे आप दूरदर्शन पे तमाम सीरियल देखते हैं, तमाम दूरदर्शन पे बहुत सारे समाचार या कुछ भी संगीत के कार्यक्रम या लड़ाई झगड़े और तमाम से खेल कूद देखते हैं, कुश्ती देखते हैं, उसी तरीके से आप पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। पढ़ाई के मॉड्यूल को देखिए, पढ़ाई के मॉड्यूल देखने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और न केवल मॉड्यूल देखिए बल्कि आप उनको नोट करिए। और दूरदर्शन ने तो ये व्यवस्था दी है, एक दिन जैसे एक कार्यक्रम किया गया तो दूसरे दिन भी उसका पुनर्प्रसारण भी होता है, और उन पुनर्प्रसारण के द्वारा आप अच्छे से उन चीजों को जान सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, और बड़े बड़े जो निजी विद्यालय हैं वो अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के बच्चे ऑनलाइन कंप्यूटर पे, ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, या घर में केवल एक स्मार्टफोन है और चार बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो उनके लिए सबके लिए स्मार्टफोन, गरीब बच्चों के अभिभावक कहाँ से ला सके। स्मार्टफोन भी एक समस्या है। अब स्मार्टफोन है सबके पास प्रायः ज्यादातर, लेकिन घरों में जितने बच्चे हैं उतने ही स्मार्टफोन हो ये जरूरी नहीं है। अब बच्चे को, कक्षा एक का बच्चा स्मार्टफोन नहीं चला पाता है, उसको नहीं जानता है कैसे उसको चलाया जाए, किस तरीके से उसका देखा जाए, कैसे वो साइट खोली जाए, कैसे इस तरीके से किया जाए, या स्मार्टफोन है तो उनके पास उसका डाटा कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, गरीबी के कारण वो खाली अपने मोबाइल पे बात बात करने के लिए लिए हैं, तो इस प्रकार से समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं के विकल्प के रूप में दूरदर्शन पे जो आ रहे हैं चैनल, आप देखें, थोड़ा सा प्रयास करें अपने यहाँ दूरदर्शन पे, बहुत अच्छे से समझाते हैं और बड़े विशेषज्ञ हैं, आपकी भाषा में समझाते हैं। आपकी मान लीजिए कोई भी भाषा हो, अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत उसको चुन सकते हैं। विशेषकर जो क्षेत्र होता है दूरदर्शन, उस क्षेत्र के अनुसार उसी भाषाओं में भी प्रसारण कर रहा है। तो मित्रों, इस चैनल के माध्यम से आज जो मैं बताना चाहता हूं, हमारे दिव्यांग छात्रों को निराश होकर घर पे बैठने की आवश्यकता नहीं कि अपनी पढ़ाई छोड़ दें। आप पढ़ाई नहीं छोड़िए, उसको देखिए, और अपने कक्षा में जिस पे हैं वहां के स्कूल के टीचर को बताइए कि मैं पढ़ रहा हूं, तो वो आपका इम्तिहान लेंगे, आपका परीक्षा में पास होंगे, परीक्षा में आपका उसी तरीके से एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, जो भी कुछ है वो सब प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको पढ़ने की नितांत आवश्यकता है, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे इस तरीके से तो आपका ज्ञान शून्य होता जाएगा, आपका पढ़ाई कम होती जाएगी, और पढ़ाई जब कम होती जाएगी तो फिर आगे आपका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ेगा। तो इस सब चीजों से उबरने के लिए आप कोरोना को अपने ऊपर हावी न होने दें। कोरोना को आप, ये कोरोना जो महामारी है, इसको अगर अपने ऊपर हावी देंगे, उससे हारते नहीं, आप तो बड़े विजेता हैं, हमारे दिव्यांग लोग तो बड़े शक्तिशाली हैं, उनके अंदर संकल्प शक्ति बहुत है, तो उस संकल्प शक्ति को सजीव करने के लिए आप जो है इस तरीके से जानिए, और बहुत सारे इन बिंदुओं के ऊपर विचार करिए। जो गरीब बच्चे हमारा, ये जिन गरीब दिव्यांग लोग, दिव्यांग बच्चे हमारा YouTube चैनल नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो हमारी बात भी कैसे समझ पाएंगे। तो ये आपका कर्तव्य है, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, जिन लोगों के पास आप जानते हैं, वो अपने पड़ोस के दिव्यांग बच्चों को, सकलांग बच्चों को, गरीब बच्चों को, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, उसको सबको आप बताएं कि दूरदर्शन पर ये कार्यक्रम आ रहे हैं, दूरदर्शन पे शिक्षा से संबंधित बड़े उपयोगी कार्यक्रम शुरू हुए हैं। मित्रों, इसका फायदा उठाइए, ये बिल्कुल मुफ्त है, कुछ नहीं है, ना आपको स्मार्टफोन चाहिए ना कुछ चाहिए, बस एक कापी कागज लेकर के बैठिए, आप एक कापी बनाइए, एक पेंसिल रखिए या कलम रखिए, उससे लिखना शुरू करिए, जो कुछ बताया जाता है उसको नोट करिए, उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद। और हाँ, इसके अलावा अगर आपके सामर्थ्य है तो दूरदर्शन पर इन प्रसारित संपर्क करके इनकी कॉपी भी बनवा सकते हैं,
उनसे काफी प्राप्त कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड के स्वयं प्रभा चैनल ने तो इस बात की भी सुविधा दी कि आप ऑनलाइन उनके पास लिखें तो आपको वो वीडियो की भेज देंगे, उसका कोई पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसको लिए लिखने के लिए, उसके सर्टिफिकेट के लिए, उसका डाक खर्चा आपको वहन करना होगा। तो इस प्रकार से मित्रों, ये मेरा आप लोगों से, मैं कोई अपने YouTube चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के उपयोगी के लिए, सब जन सब समाज और जन समुदाय, दिव्यांग जगत, सकलांग जगत, सबके उपयोग के लिए ये चैनल बनाया, इसलिए ये बात मैं बता रहा हूँ। आप इन बातों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारण करिए और हमारे दिव्यांग जन जो अब नहीं पढ़ रहे हैं, जिनके संतानें नहीं हैं, या दिव्यांग जन की जिनकी संतानें हैं उनको भी पढ़वाने के लिए, या अपने पड़ोस में दूसरे दिव्यांग जनों के संतानों को इस विषय में बताने के लिए, इस चैनल को, इसका जो हम ये किस्त प्रसारित एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं उनको सुनवा दीजिए, उनको बता दीजिए अपने बच्चों को। मैं आपसे विश्वास करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आप इस बात का प्रसारण करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों को समझाएंगे, ये आपका बहुत बड़ा दिव्यांग जगत के लिए उपकार होगा, और इस उपकार को करने से आप हिचकेंगे नहीं। तो प्लीज 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 आपसे मैं कह रहा हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहन सभी लोग इन दूरदर्शन और इन सब चीजें कार्यक्रमों का उपयोग करें। हाँ, कुछ प्राइवेट चैनल भी इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो हो सकता है उनके यहाँ दूसरे चैनल भी ना आते हो, दूसरे चैनल ज्यादातर एजुकेशन पे नहीं केंद्रित हैं और ना वो पढ़ा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, खाली आपका दूरदर्शन है जिसको आप बहुत कम देखते हैं। दूरदर्शन को आपको देखना बहुत जरूरी है। दूरदर्शन के जो ये शैक्षिक कार्यक्रम के चैनल हैं इनको बेहतरी से और बड़ा समर्पण के साथ और बिना नागा किए आप इसको देखने का प्रयास करें, आपका बहुत लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ आपको मिलेंगे। नमस्कार, आपके जीवन सुखमय हो, आप पढ़ाई की तरफ बढ़ें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें, देश को मजबूत करने के लिए आपके योगदान की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद मित्रों, वंदे मातरम।